दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत अच्छी खासी जानकारी मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं या इलेक्ट्रिकल फील्ड में आना चाहते हैं तो वहां पर आपको कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होती है जो कि मोटर को ऑपरेट कराने के लिए यूज की जाती है, पैनल्स में अधिकतर आपको इस तरह से कुछ चीज़ें दिखेंगी। जैसे कि ये कंटेक्टर है, ये भी कंटेक्टर है और ये भी कंटेक्टर है, ये दोनों तीनों कंटेक्टर है और कंटेक्टर के साथ कुछ यूज की जाती है ये डिवाइसेस जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये आखिर होते क्या है, इस रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको कवर अप कर दूंगा, कुछ जानकारी आपको इस रिलेटेड मिल जाएगी और इसका इस्तेमाल भी आप तो अच्छी खासी कर पाएंगे। जब इसके बारे में जानकारी होगा तो पैनल्स देखेंगे तो हाँ ये चीज़ें है और ये चीज़ें ये क्या है आपको पता रहेगा। तो अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि आपको ये क्या है, अगर आपसे ये पूछे ये क्या है तो ये आप इसका नाम क्या है, तो ये है आपका एड ऑन ब्लॉक। ये एड ऑन ब्लॉक क्या होता है, ये जो हमारे कंटेक्टर होते हैं, जैसे ये कंटेक्टर है यहाँ पर दिख रहा है तीन पोल का, ये कंटेक्टर है L1 L2 L3 आपको दिख रहा होगा, ये तीन टर्मिनल का कंटेक्टर है। इसको इस कंटेक्टर में कैसे फंक्शन होता है, ये सिंपल बात है, यहाँ पर एक क्वाइल होता है जिसमें ये कंटेक्ट पॉइंट का प्लंजर होता है, जो क्वाइल ऑपरेट होती है तो ये प्लंजर खींचता है। प्लंजर खींचने के बाद क्या होता है, ये जो टर्मिनल होते हैं एक दूसरे से कंटेक्ट में आ जाते हैं, इधर भी तीन टर्मिनल है और इधर भी तीन टर्मिनल है, एक दूसरे कंटेक्ट में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, 9 वोल्ट क्वाइल NBC क्वाइल होती है जो कि जैसे A1 और A2 है ना, यहाँ पर 220 वोल्ट देते हैं, तो ये क्या होती है ऑपरेट होने लगती है, ऑपरेट हो जाती है तो ये काम करने लगती है। तो ये बात नहीं है, आपको सिखा रहा हूँ मैं कि ये क्या है। आपने ये भी समझ लिया कि ये कंटेक्टर होते हैं और ये एड ऑन ब्लॉक है। एड ऑन ब्लॉक में क्या फंक्शन है, तो यहाँ पर ये NO और NC का टर्मिनल दे रखा होता है। NO NC जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल के डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मोटर होता है उसको कंट्रोल करना होता है तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लो कि स्टार डेल्टा में हमें चलाना होता है मोटर, तो उस वक्त क्या होता है कि NO NC ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, होल्डिंग वक्त भी NO का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। आखिर आपको ये बता दूँ कि ये आपका एड ऑन ब्लॉक कैसे लगता है, अगर बता दूँ तो ये जैसे कि आपका ये क्या हो गया, कंटेक्टर हो, कंटेक्टर के ऊपर ये ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, ये इस कवर को हटा देते हैं, कवर को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है कि ये आपकी तरफ होना चाहिए। अब आपकी तरफ ये है तो जस्ट ये भी आपको दिखना है कि ये जिधर लिखा हुआ टर्म सीधा ही है उधर बैठा लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक क्या दिया है, प्लंजर टाइप का दिया है, इसको आपको इसमें लगाना है, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट दे रखा है, आसानी से बैठ जाता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इसको आप दबा दोगे, बैठ जाए। कैसे बैठा, आसानी से इसको अंदर प्रेस कर दिया। अगर निकालना होगा तो ये पॉइंट यहाँ पर आकर बैठ गया है, इसको क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ पर एक फंक्शन है कि यहाँ पर इसको दबाएंगे तो ये पूरा सिस्टम ही अंदर दबेगा। जैसे यहाँ पर ऊपर दबा रहा हूँ तो ये वाला पॉइंट देख रहा है, कंटेक्ट पॉइंट क्या है, ये कंटेक्ट पॉइंट भी दब रहा है। अगर आपको रिमूव करना है इसको तो आप इसको दबा करके जस्ट यहाँ पर खींच लेंगे तो ये क्या हो गया, निकल गया। लगाना भी आसान है, कैसे लगाया था हमने, ये जो पॉइंट है यहाँ पर रख दिया, देखो कितना आसानी से यहाँ पर ये रख दिया। अब इसको प्रेस कर देंगे तेज़ी से तो ये अंदर बैठ जाता है। तो ये एड ऑन ब्लॉक टॉप एड ऑन ब्लॉक है, साइड एड ऑन ब्लॉक नहीं, ये टॉप वाला ऊपर, ये इस प्रकार के कंटेक्टर में ये यूज होता है टॉप वाला। एक और टॉप वाला दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ भी एक कंटेक्टर है, इस वाले कंटेक्टर में ये वाला एड ऑन ब्लॉक नहीं लग सकता है, तो इसके लिए अलग तरीके का एड ऑन ब्लॉक होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये सीमेंस का कंपनी का है और जस्ट आपने ये जो देखा ये MNX L&T कंपनी का है। अब ये वाला जो सीमेंस की कंपनी वाला है इसके बारे में बताऊँ तो इसको लगाना भी बहुत आसान होता है। ये एड ऑन ब्लॉक है, इसमें भी NO NC होता है लेकिन ये अलग अलग होता है, इसमें सारे के सारे अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूँ यहाँ पर ये क्या है, तो ये आपको NC है, देख रहा है यहाँ पर लिखावट दिख रहा होगा, यहाँ पर ये क्या है NC है, ये क्या हो गया NC, इसमें ये NC का है और इसी प्रकार से NO का भी होता है। तो ये आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है, ये NO है। अब इसको लगाना क्या होता है, सिंपल होता है, इसको भी लगाना जैसे कि आपको अपने तरफ इसको रखना है और इसमें भी जो लिखावट होगा सीधा करके NO दिख रहा ना आपको NO,
तो इसको क्या करना है, ये जो अलग 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 पॉइंट दे रखा है इसमें आपको जितना एनओ जितना एनसी की जरूरत है उस रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको क्या करना है, इस वाले पॉइंट को ऐसे रख करके और इसमें क्या करना है आपको दबाना है। ये बैठा है, अभी बैठा नहीं है, अभी इसको करना प्रेस करना तेज़ी से अंदर बैठ जाए। जैसे बैठ गया आप, ये बैठ गया, ये क्या हो गया, आपने एक एनओ का इंस्टॉलेशन कर दिया इसके कंडक्टर के अंतर्गत। अब आपको एक मान लो कि एनसी लगाना है तो जस्ट यहाँ पर क्या कर देंगे, इसी प्रकार से जितने पॉइंट दिए होंगे, ये तो अलग बैठा नहीं है, पूरा बैठेगा तो ये लूज नहीं होगा, ये टाइट हो जाएगा पूरा। तो आप इसे क्या करोगे, इसमें लगा करके और अच्छे से इसको प्रेस कर दोगे, प्रेस कर दिए अभी बैठ गया। इसको भी रिमूव करना बहुत आसान है, यहाँ पर नीचे की तरफ से इसको क्या करना है, उठाना है और उठा कर रखना है और आगे की तरफ धक्का दे देना है, तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आसानी से। इसको भी निकालना है तो जैसे कि ऊपर यहाँ पर देखो, ऊपर से दबाएंगे तो नहीं निकलेगा, यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट में ऐसे लगाना है और इसको निकाल देना है। तो ये निकालना और इंस्टॉल करना कितना आसान है, तो ये आपने सीख लिया कि इस प्रकार के कंडक्टर में आपको ये एडन ब्लॉक कैसे लगता है। ये भी टॉप पे एडन ब्लॉक होता है। अब एक साइड वाला एडन ब्लॉक बताता हूँ, जैसे कि ये वाला जो कंडक्टर है भी सीमेंस का ही है, इसमें भी एलएनटी का आता है साइड वाला। तो क्या होता है, इसमें साइड में क्या होता है, ये साइड वाला साइड में दिया होता है, यहाँ ना दे करके क्या करता है, टॉप में ना दे करके एडन ब्लॉक कहाँ देता है, साइड एडन ब्लॉक। तो ये वाला जो एडन ब्लॉक है ये साइड एडन ब्लॉक है, इधर दोनों तरफ आसानी से एडन ब्लॉक लग जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी एडन ब्लॉक लगा है। अब इसमें भी क्या होता है, एडन ब्लॉक का काम ही एनओ एनसी करना, तो ये वाला टर्मिनल एनओ का हो जाएगा, इधर वाला एनओ का, ऊपर वाला एनओ का हो जाता है, दिखाना यहाँ पर एनओ एनओ। अब जस्ट नीचे क्या होता है, एनसी। जैसे कि आपको यहाँ पर समझना होगा कि कौन एनओ है कौन एनसी है, तो जैसे आपको यहाँ पर लिखा है 13 नंबर और 21 नंबर एनसी है, 13 नंबर एनओ है। तो यहाँ पर आपको अगर समझ में नहीं आता है तो क्या करोगे, आप इसके लिए इसको प्रेस करोगे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो कॉन्टेक्ट आता है, जो आपको बताता है कि ये मतलब कि आपके पास मान लो कि क्या है, अभी जस्ट मैं लाता हूँ आपको दिखाता हूँ क्या, क्लेम मीटर, अभी बंद मत, जस्ट अभी मैंने क्लेम मीटर ला दिया। अब एक क्लेम मीटर का इस्तेमाल से आपको समझाऊंगा ये कौन सा पॉइंट इसमें आपको एनओ है कौन सा एनसी है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा लेकिन ऐसे भी समझ में आ जाएगा। जैसे 22 ऊपर दिया है और ये 14 नीचे दिया है, तो जो 14 आपको नीचे वाला होगा वो 14 हो जाएगा और 22 वाला होगा वो ऊपर हो जाएगा। इस प्रकार से 13 और 21, यहाँ पर 13 इस साइड 13 दिया है, इधर ये कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले टर्मिनल पर हमने लगाया, पहले तो इसको मोड रखेंगे ये वाला, आपको क्या करना है कंटिन्यूटी मोड पर रखना है और यहाँ पर चेक करना है नीचे वाले को, नीचे वाले से नहीं बताया, ऊपर चेक करते हैं। तो ऊपर वाले में क्या कर रहा है, आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, हटाया। अभी जस्ट ऊपर वाले क्या है, ऊपर वाला क्या है, नॉर्मल कंडीशन में क्लोज है, तो ये क्या हो, ऊपर वाला एनसी हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, एनओ हो गया। तो जस्ट यहाँ पर आपको समझना है कि नीचे वाला क्या है, एनओ, नीचे वाला क्या है, एनओ, और ऊपर वाला क्या है आपका, जब नीचे वाला एनओ हो गया तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा। तो ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन में एनसी है और नीचे वाला क्या है, एनओ है। तो यहाँ पर भी जो एडन ब्लॉक है ये क्या करता है, एनओ एनसी क्या काम करता है, जैसे ही आप इसको दबाओगे तो ऊपर वाला एनसी था वो क्या हो जाएगा, एनओ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका इस्तेमाल भी एनओ एनसी का इस्तेमाल अधिकतर जो कंडक्टर में होता है, या तो उसको होल्डिंग के लिए किया जाता है, या तो जो स्टार्ट अल्टा होता है उसको इंटरलॉकिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि इंटरलॉकिंग होता क्या है, किस तरह से हम स्टार्ट अल्टा में इसका स्टार्टर का कनेक्शन करते हैं, क्या पॉइंट होती है, ये पुश बटन क्या होता है, पुश बटन से कैसे हम कनेक्शन करते हैं, इससे रिलेटेड भी डाउट रहती है, तो आप कमेंट्स करिए, आपको इसके ऊपर ऑल बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है, स्टार डेल्टा कैसे स्टार्टर बनाते हैं और या जो पुश बटन होते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, पैनल्स के अंदर काम करना हो तो क्या आसान है या हार्ड है। तो पैनल्स के अंदर काम करना आसान होता है दोस्तों, नॉर्मली से बात करें कि आपको स्टार्टअप धीरे धीरे कर लेना है कि किस तरह से हमें एक एक पॉइंट को, जैसे कि मान लो कि अचानक से कोई भी चीज़ नॉलेज मिल नहीं जाता है तो उसको धीरे धीरे गैदर करना स्टार्ट कर दो,
कि एक एक पॉइंट को समझना स्टार्ट कर दो, और कहीं ना कहीं कंपनी में आप कहीं ना कहीं अगर आप इलेक्ट्रिकल से जाना चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाओ और वहाँ पर धीरे धीरे नॉलेज को ग्रोथ करो। एक साथ कोई भी नॉलेज नहीं मिल पाता है, तो धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़, मान लो कहीं काम किए तो वहाँ पर कुछ सीख करके आगे बढ़ोगे, दूसरे कंपनी में जाओगे कुछ सीखोगे और आगे बढ़ोगे, इस तरह से आप बढ़ते जाओगे और नॉलेज मिलता जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने बस नॉर्मल चीज़ें बताई कि आखिर ये किस तरह से लगते हैं और क्या पॉइंट होते हैं। सब में क्या होता है, NBC क्वाल होता है सब में, A1, A2 और यहाँ पर कहीं कहीं किसी में एक तरफ A1 देता है, दूसरे में A2 देता है, किसी में एक ही साइड में A1 A2 देता है, जैसे कि यहाँ पर A1 A2 दोनों साइड में दे रखा, तो दोनों साइड में देता है, किसी में कहीं भी लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर भी दिख रहा होगा इस क्वाइल में एक ही साइड दे रखा है A1 और A2। तो अलग अलग कंटेक्टर्स में अलग अलग क्वाइल के लिए, मतलब क्वाइल के लिए अलग अलग जगह पर वो पावर, मतलब उसके क्वाइल को पावर देने के लिए टर्मिनल्स दे रखे होते हैं, आपको उसको देख करके उसमें कनेक्शन करना होता है, कोई इस बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आप इसको पावर देते हैं ये क्वाइल ऑपरेट हो जाता है और आपका काम होने लगता है। अधिकतर दोस्तों ये क्वेश्चन किया जाता है कि आखिर जो कंटेक्टर होते हैं इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो कंटेक्टर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने इक्विपमेंट्स जो भी हमारे, अधिकतर मोटर्स में ही आपको ये दिखने को मिलेगा, मोटर को कंट्रोल करने के लिए, मोटर को ऑटो में या मैनुअल में चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होते हैं। इसके साथ आपको आपको जो ओवरलोड ड्रिल होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं, बिना ओवरलोड ड्रिल के ये कंटेक्टर्स को इस्तेमाल में कमी किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।